एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम है, इफ ए सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स ऑन ए बी एंड एक्स नॉट इज एनी पॉइंट ऑन ए बी सच दैट लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए एन। देन फर्स्ट द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, सेकेंड लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। ये हमारा इफ ए सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स ऑन ए बी एंड एक्स नॉट इज एनी पॉइंट ऑन ए बी सच दैट लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए एन। देन दिस सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, यानी इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों सेम होंगी। ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है सिंस एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया हुआ है, देयर फोर फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन। ये जो पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर रहा है वो इस एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, इस एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन ए बी, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन ए बी। और तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन, ये जो पॉजिटिव इंटीजर एन है वो डिपेंड करेगा ऑन एप्सिलॉन बट नॉट ऑन एक्स सच दैट एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। हमने ये कर लिया है एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। कीपिंग एन एंड पी फिक्स्ड, हम एन और पी को फिक्स्ड कर देते हैं और साथ में क्या कर देते हैं एक्स को वेरी करा देते हैं एक्स नोट पर। तो ये हमारा आ गया लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नोट, हमने ले लिया एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नोट एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन से बाय टू ही। और ये हमारा बन गया ए एन प्लस पी और ये बन गया हमारा ए एन। क्यों? क्योंकि कि लिमिट एन टेंस लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नोट एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए एन, ये हमारा। तो इससे क्या पर पता चला, इससे हमारा क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस ए एन है वो हमारी कोशी है। कोशी इम्प्लाइज कन्वर्जेंट इन रियल लाइन, तो इट मीन्स ए एन इज कन्वर्जेंट।
ए एन हमारी कन्वर्जेंट होगी, तो यही हमें प्रूव करना था। तो सेकंड पार्ट करते हैं, सिंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स इन ऑन ए बी, देयरफॉर फॉर ऑल फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन वन से एन वन सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई थ्री से दिस इज आवर एडजस्टमेंट थ्री फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन से दिस इज नंबर वन सिंस सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट से कन्वर्जेंस टू एल देयरफॉर फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव there exist a positive integer n2 such that an minus l less than epsilon by 3 for all n greater than equal to n2 greater number 2 take n is equal to maximum of n1 and n2, n1 और n2 का maximum हम n ले लेते हैं, therefore inequality 1 और 2 जो है यानी वो क्या होगी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 दोनों 3 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n फर्दर सिंस लिमिट x टेंड टू x नॉट एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एन एक्स माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा ये भी हम एप्सिलॉन बाय 3 से ही कह देते हैं लेस है हम कंसीडर कर ले हैं कंसीडर एफ एक्स माइनस एल हम एडजस्ट कर रहे हैं एफ एक्स माइनस एल प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स प्लस ए एन माइनस ए एन हमने ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने एफ एन एक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने एफ एन एक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया ए एन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया तो अब हमारे पास ये हो गया हम जो जो चाहते हैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं प्लस ए एन माइनस एल और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं एफ एन एक्स माइनस ए एन
और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हमारा मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स। मोड की प्रॉपर्टी लगा दी, मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू ए मोड ए प्लस मोड बी, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा रहे हैं। अब हमने ये एडजस्टमेंट की थी और सारे ही लेस देन एप्सिलॉन हैं, एप्सिलॉन बाय थ्री, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेके हम इसको ये लिख सकते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये सारे लेस देन एप्सिलॉन हैं यानी एप्सिलॉन के, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, देयरफॉर एफ एन एक्स एफ देयरफॉर एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या हुआ, एप्सिलॉन टेंड्स टू एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, नियरर टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ एफ एन एक्स हमारा एल के इक्वल हो गया। और एफ एक्स क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ एन एक्स, और ये हमारा क्या है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट ए एन, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।